हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें दूसरे नंबर की अपनी इसमें क्लास है। तो दोस्तों, पिछली अगर क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास है वो ज़रूर देख लें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भाग एक क्या है? तो भाग एक है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र तो क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ आर्टिकल एक। तो आर्टिकल एक में क्या है? तो सबसे पहले जो अनुच्छेद एक आता है, अपन उसी की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद एक में क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद एक में भारत का नाम है। तो भारत का नाम क्या है? तो दोस्तों, जब संविधान लिखा गया था उस समय अनुच्छेद एक में भारत का नाम लिखा गया था, भारत व इंडिया। हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों भारत का नाम, ठीक है, अपन ऐसे बोलते ही हैं, लेकिन संविधान के अनुसार भारत का नाम है वो दो है। क्या क्या है? भारत व इंडिया, ये दो नाम है। दूसरा इसमें देखो, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत है वो एक राज्यों का संघ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। अमेरिका की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का समूह है, ठीक है, अमेरिका में राज्यों का समूह है और भारत में राज्यों का संघ है। इन दोनों जो चीजों को दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें भारत का संपूर्ण क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों का संघ, ये सभी है, ये आर्टिकल एक के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, अपन पढ़ते हैं आर्टिकल टू। आर्टिकल टू क्या है? अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल टू क्या है, तो देखो, जम्मू कश्मीर की बात बताई थी मैंने अभी, तो देखो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहर के राज्यों को ले सकते हैं, भारत के बाहर के राज्य को ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें बांग्लादेश के कुछ गाँव तो भारत ने ले लिए थे और भारत के कुछ गांव हैं वो बांग्लादेश ने ले लिए थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये नए राज्यों का जो प्रवेश हो सकता है भारत के अंदर और उसकी स्थापना कर सकते हैं, और दोस्तों भारत के बाहर के किसी राज्य को भी अपन ले सकते हैं, ठीक है, ये भी अपने को आर्टिकल दो के अंदर याद रखना है। आर्टिकल अगर तीन की बात करें तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित, ठीक है। तो देखो, भारत के राज्यों को केंद्र सरकार कैसे भी तोड़ जोड़ सकती है, तो अभी तोड़ा ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, तो भारत के राज्यों को केंद्र सरकार कैसे भी तोड़ सकती है? तो दोस्तों, इसके लिए भी दो कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल तीन यानी कि अनुच्छेद तीन के अंतर्गत क्या है कि भारत के राज्यों को केंद्र सरकार कैसे भी तोड़ जोड़ सकती है, इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत होगा, ठीक है, यानी कि इसके लिए राष्ट्रपति की सबसे पहले पूर्वानुमति होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, वह प्रस्ताव संबंधित राज्य या राज्यों को भेजा जाएगा, वह उनका सुझाव लिया जाएगा, फिर वह राष्ट्रपति के निर्णय पर आधारित होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, मेन पॉइंट सेकेंड नंबर वाला है। मेन पॉइंट में देखो, वह प्रस्ताव संबंधित राज्य या राज्यों को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर में उस समय कोई भी सरकार नहीं थी, राज्यपाल का शासन था, ठीक है। तो दोस्तों, राज्यपाल का शासन था वहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, भंग हो चुकी थी, ठीक है, तो सीधा का सीधा कंट्रोल था वो राष्ट्रपति के हाथों में था। तो ये जो सुझाव है यानी कि संबंधित प्रस्ताव है वो राज्यों को भेजा जाएगा, ठीक है, यानी कि राज्य को, जम्मू कश्मीर को भेजा जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को भेजा किसके पास जाएगा, जब वहाँ पे कोई सरकार ही नहीं थी तो भेजेगा किसके पास, यानी कि सीधा का सीधा कंट्रोल है वो राष्ट्रपति के हाथों में है, ठीक है। तो दोस्तों, सीधा का सीधा उन्होंने वहीं की वहीं ये जो राष्ट्रपति के निर्णय पर आधारित था ये, ठीक है, राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया था तो ये काम हो गया, और केंद्र सरकार ने दोस्तों जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था। तो ये आर्टिकल तीन के अंतर परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, आर्टिकल तीन से संबंधित तोड़ा है, ठीक है। देखो, संविधान संशोधन के टाइप, संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं, इसके टाइप क्या है? तो देखो, संविधान संशोधन के टाइप, एक तो है साधारण बहुमत, ठीक है, एक है साधारण बहुमत यानी कि प्रेजेंट वोटिंग,
ठीक है, आप सभी को पता है कि साधारण बहुमत क्या है, कि बाईप्रेजेंट वोटिंग यानी कि सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो होता है, वो वोट करते हैं, तो उसको कहते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, एक है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि सदन की पूरी स्ट्रेंथ का 50% प्लस एक हो, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि सदन की पूरी स्ट्रेंथ, यानी कि अगर सदन में 100 है, 100 सदस्य हैं, तो स्ट्रेंथ का 50% प्लस एक यानी कि आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए, उपस्थित मतदान का 2/3 भाग होना चाहिए। ठीक है, ये होता है दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी। आधे राज्यों की सहमति, तो दोस्तों आधे राज्यों की भी सहमति भी होती है संविधान के टाइप में। अब देखो हमारी प्रस्तावना हमारे को चार बातें बताती है, हमारी प्रस्तावना है वो हमारे को चार बातें बताती है। तो देखो शक्ति का स्रोत है वो कहाँ से है, तो दोस्तों शक्ति का स्रोत है वो जनता स्वयं है। शक्ति का स्रोत है वो कौन है, तो जनता स्वयं है। राज्य की प्रकृति है वो कैसी है, तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये राज्य की प्रकृति है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व की भावना, ये दोस्तों उद्देश्य है अपना। ठीक है, कब, तो दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि किसने क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में। तो देखो एन ए पालकीवाला ने क्या कहा था, तो देखो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है, यानी कि परिचय पत्र कहा है। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है, और ऑप्शन दे दिया आपके पास में एन ए पालकीवाला, के एम मुंशी, अर्नेस्ट बर्कर, ठाकुर दास भार्गव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एन ए पालकीवाला। किसने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है, तो एन ए पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, के एम मुंशी की अगर अपन बात करें तो के एम मुंशी ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, यानी कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, अर्नेस्ट बर्कर, तो दोस्तों अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का की नोट है, प्रस्तावना संविधान का की नोट है, ये कहा था दोस्तों अर्नेस्ट बर्कर ने। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में, तो दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है, यह बात केशवानंदन भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, केशवानंद भारती जो विवाद हुआ था, ठीक है, 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। देखो इससे पूर्व पहली बार बेरुवादी केस था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग है वो नहीं माना था। ठीक है, 1960 के अंदर एक केस था बेरुवादी, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन जब केशवानंद भारती वाला केस आया 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है, परंतु पहली बार प्रस्तावना का महत्व बताया। ठीक है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो बेरुवाडी केस ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये बंगाल और भारत सरकार के मध्य हुआ था बेरुवाडी केस। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात केशवानंद भारती केस में प्रूफ हुई है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो ये बात है, ये दोस्तों केशवानंद भारती केस में प्रूफ हुई है, याद रखना इस चीज़ को भी। देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो एक अनुच्छेद हुआ था दोस्तों इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, एक अनुच्छेद था, सॉरी संविधान संशोधन था 1956 में। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, ये 1956 में। अब देखो इसमें पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उससे पूर्व भारत के चार तरह के राज्यों में विभक्त था। तो दोस्तों जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, और उससे पूर्व दोस्तों भारत में चार तरह के राज्यों में विभक्त था, ए बी सी डी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शुरू में।
तो देखो 1966 में 18वां संविधान संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया। जो आर्टिकल 3 है मैंने आपको बताया था कि कैसे भी तोड़ मरोड़ करके नया राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो देखो राज्यों को तोड़ सकते हैं वह, साथ ही राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला सकते हैं, वह नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। और ये संशोधन है ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया? तो 1966 में 18वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये किया गया था, ठीक है। देखो इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह अपनी संस्तुति देने से पूर्व संबंधित राज्य या राज्यों का मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर संबंधित राज्य से संबंधित कोई सरकार वहाँ पर नहीं थी उस समय। राज्यों का मत बनाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। ये भी इसमें एक मेन पॉइंट है। ऐसा प्रस्ताव संसद में साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से पास किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा प्रस्ताव हो तो वह दोनों सदनों में पास करवाना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले 370 को राज्यसभा में पेश किया, ठीक है, फिर उसके बाद में लोकसभा में पास करके राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं। आर्टिकल 3 के तहत भारत के किसी भी भाग को किसी विदेशी सत्ता को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 के तहत भारत के किसी भी भाग को किसी विदेशी सत्ता को नहीं दिया जा सकता, ये भी इसमें एक अच्छा पॉइंट है। देखो इस तरह का हस्तांतरण आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से सदन की कुल संख्या बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए जो संविधान संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद में होता है, तो ये होता है अनुच्छेद 368 में और 2/3 बहुमत के माध्यम से ये किया जाता है। सीमा निर्धारण के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसमें अच्छा पॉइंट है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत दोस्तों आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन सीमा निर्धारण के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपनी दूसरी क्लास कंप्लीट। कल दोस्तों अपन इसमें देश का जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस मैं आपको इसमें करवा दूंगा। और लास्ट में दोस्तों पीडीएफ है वो नहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ है वो एक बार क्लास कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद में मिल जाएगी पीडीएफ आपको, ठीक है। एक बार ऐसे ही पढ़ो फिर दोस्तों रिवीजन करने में उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे आपका पूरा पढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप जब नोट्स में पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी के सभी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप जो ग्रुप होते हैं ग्रुपों में शेयर किया करो, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दो और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।